अबू धाबी T10 लीग 2023 अबू धाबी में जारी है। कौन सी टीम ने अब तक कितने मैचेस खेले हैं, कितने जीते और कितने हारे हैं, आज के ताज़ा तरीन पॉइंट्स टेबल के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम अबू धाबी T10 लीग के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो दिल्ली बुल्स की टीम पहले नंबर पर है, जिसने 3 मैचेस में 3 फतूहात हासिल करके 6 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। दूसरे नंबर पर दक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम है, जिसने 4 मैचेस खेले जहां उसे 2 मैचेस में शिकस्त हुई जबकि 2 मैचेस में कामयाबी मिली, जिसके बाद उनके पॉइंट्स 4 हैं। मोरिस विली सैंप आर्मी की टीम तीसरे नंबर पर है, जिसने 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। मोरिस विली की टीम को 2 मैचेस में कामयाबी मिली जबकि 1 मैच में उसे शिकस्त हुई। 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स के साथ न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स की टीम चौथे नंबर पर है, जिसने 2 मैचेस में फतह हासिल की जबकि 1 मैच में उसे शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। 5वें नंबर पर नॉर्दर्न वायरस की टीम है, जिसे 4 मैचेस में से 2 में कामयाबी मिली जबकि 2 में उसे शिकस्त हुई, जिसके बाद उनके पॉइंट्स 4 हैं। 4 मैचेस में 4 पॉइंट्स के साथ चेन्नई ब्रेव्स की टीम 6ठे नंबर पर है, जिसने 2 मैचेस जीते जबकि 2 में उसे शिकस्त हुई। बंगला टाइगर्स की टीम 7वें नंबर पर है, जिसने 3 मैचेस में से 1 मैच जीता जबकि 2 मैचेस में उसे शिकस्त हुई, जिसके बाद उनके पॉइंट्स 2 हैं। पॉइंट्स टेबल के आखिरी नंबर पर अबू धाबी की टीम है, जिसे अपने पहले 4 मैचेस में शिकस्त हुई और यूं उनके पॉइंट्स 0 हैं।